सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर के छात्र का यूपीएससी में चयन पर प्रदेश सचिव ने किया सवाल। नमस्कार, आप सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर के छात्र का यूपीएससी में चयन पर प्रदेश सचिव ने किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज और मैं हूं लाल रंजन। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर के पूर्व छात्र अनुराग नयन को संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 379वां स्थान लाकर सफलता प्राप्त करने पर भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष अमरनाथ केसरी, सचिव सरोज कुमारी, प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से विद्यालय के प्रशाल में आयोजित शुभकामना सह सम्मान समारोह में अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि युवा पीढ़ी पर ही भारत के विकास को नई दिशा देने की जिम्मेदारी है, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर की भागीदारी होना बहुत ही सुखद और सौभाग्य की बात है। अनुराग के चयन होने से मुंगेर के समाज में बच्चों को नई दिशा मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि दिन रात एक कर पूर्ण प्रतिबद्धता और लगन के साथ मेहनत कर इस मुकाम को हासिल करने वाले छात्र के निष्ठा को नमन है। भारत की विकास यात्रा में अपनी भागीदारी निभाने एवं सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर की युवा पीढ़ी का प्रशासनिक करियर में चयनित होना मुंगेर सहित पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उपस्थित छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए अनुराग नयन ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर से तथा बीटेक दिल्ली से किया है। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहे, जहां उन्हें आंशिक असफलता भी मिली, परंतु उन असफलताओं से बिना विचलित हुए कठिन परिश्रम, धैर्य एवं लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनाए रखा और अंततः यूपीएससी द्वारा आयोजित 2021 की परीक्षा में सफलता अर्जित की। विदित हो कि अनुराग नयन के पिता संजीव नयन ग्राम उधाडी सुल्तानगंज निवासी सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर में ही आचार्य के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में बिहार सरकार के स्कूल शांतिनगर तारापुर में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तथा माता कुशल गृहिणी हैं। अपने आशीर्वचन में सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर के अध्यक्ष अमरनाथ केसरी ने कहा कि अनुराग नयन ने कठिन श्रम एवं ध्येय निष्ठा से यह सफलता अर्जित की है। सभी छात्रों को अनुराग नयन की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर उपस्थित विद्यालय प्रबंध कार्यनी समिति के सचिव सरोज कुमारी ने कहा कि आप सभी छात्र अनुराग नयन के स्वाध्याय से प्रेरणा लेकर कठिन परिश्रम एवं लक्ष्य प्राप्ति तक बिना रुके सतत अध्ययन एवं मोबाइल के सकारात्मक प्रयोग द्वारा कठिन दिखने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र की सफलता से गदगद विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लक्ष्य केंद्रित कठिन श्रम एवं अटल धैर्य का सहारा लेकर अनुराग नयन ने आशातीत सफलता प्राप्त कर विद्यालय, शहर एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य उज्ज्वल किशोर सिन्हा ने कहा कि अनुराग नयन ने यह साबित किया है कि कठिन परिश्रम एवं अविचलित एवं स्वाध्याय से कठिन दिखने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर अनुराग के पिता संजीव नयन, मां आशा रानी सहित विद्यालय के उप प्रधानाचार्य उज्ज्वल किशोर सिन्हा, बालिका खंड की प्रधानाचार्य कीर्ति रश्मि, प्राथमिक खंड के प्रभारी अविनाश कुमार, कार्यक्रम के संयोजक नवीन्द्र चंद्र मोहन, अरुण कुमार सहित समस्त आचार्य एवं आचार्य तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। गुप्त न्यूज के लिए मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। अभी हम आए हैं सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर, वहाँ के एक छात्र, इन्होंने यूपीएससी में 379 रैंक लाकर के सफलता हासिल किया है। आइए जानते हैं अनुराग नयन से कि इस सफलता के लिए क्या करना चाहिए। मेरा नाम अनुराग नयन है। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में 379 रैंक लाकर सफलता हासिल की है। इस सफलता के पीछे मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका निभाई है, उन्होंने असीम आनंद सर ने निभाई है, जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि विद्या मंदिर परिवार या विद्या मंदिर के जो संस्थान है, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। वहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन जो मैंने की 10th तक, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया, जिसकी मदद से हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे बहुत ही जटिल विषयों में मेरी पकड़ बन पाई। और अनुशासन जो सिखाया गया, उससे मैं लगातार परिश्रम करने में सफल रहा। अंततः मैं ये
अपने भैया बहनों को यही ये देना चाहूँगा कि आप भी सफलता को सफलता के पीछे भागते रहें, जब तक सफल ना हो जाए तब तक छोड़ें नहीं। असफलताएं आएंगी लेकिन आपके पीछे पूरा सपोर्ट है, मेरा भी पूरा सपोर्ट रहेगा और विद्या मंदिर की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर लेंगे।